तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों अभी आप जो पौधा देख रहे हैं, यह कंदमूल राम कांदा का पौधा, जो कि काफ़ी लोग इसको जानते होंगे और काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए हम एक एक इन्फॉर्मेशन इसके विषय पे आपको देते हैं। तो उससे पहले कहना चाहेंगे, प्लीज़ यदि आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पौधे कुछ इस तरीके से मिट्टी से लगा हुआ है। पौधे की हाइट लगभग अभी 10 से 12 फीट है, मैक्सिमम हाइट 25 से 30 फीट की होती है। और पौधे की बात करें दोस्तों, तो ऐसी मान्यता है जब प्रभु श्री राम जी 14 बरस के वनवास गए थे, तो कुछ इसी प्रकार के कंदमूल साबुनदाना जो भी पौधे हैं उनको खाकर अपना जीवन व्यतीत किया था। और भाग्यवश हमारे पास भी ये पौधा अवेलेबल है, देख सकते हैं हमारे पास लगभग 4 से 5 पौधे अवेलेबल हैं। और इनका जो मुख्य फसल है वो मिट्टी में पाई जाती है, मतलब पौधे की जड़ों में आप 1 से 2 फीट खुदाई करते हैं तो आपको फसल देखने को मिल जाता है। और किसी इस तरीके से एकदम गहरे हरे रंग के आपको पौधे देखने को मिलेंगे। सदैव साल भर ये हरे भरे ही रहते हैं, हल्का सा पानी देने की आवश्यकता होती है, बाकी खाद वगैरह की इनको ज़्यादातर आवश्यकता नहीं पड़ती। और खाने में इनके फल की बात करें तो ये हल्के मीठे होते हैं, जिस तरीके से लगभग 80 से 90% इनकी जो स्वाद है वो सिंघाड़े से मिलती है। और इनकी पत्तियां देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कटे हुए आकार में, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इनकी पत्तियां होती है, काफ़ी हरा भरा होता है। यदि आप इनको अपने घरों में शोभायुक्त भी लगाना चाहते हैं तो भी काफ़ी अच्छी बात है। और ये पौधा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शोभनीय होता है, सदैव साल भर हरा भरा रहता है। और जानवर और पशुओं से भी इनको सेफ हैं, क्योंकि ज़्यादातर जानवर इनको नहीं खाते हैं, कुछ ही कुछ जानवर हैं जो इनको खाते हैं, बाकी ये सेफ हैं। वेल, इसी तरीके के अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा। ये देख सकते हैं पौधे का हाइट मैक्सिमम अभी लगभग 10 फीट है, और लगभग 10 से 20 फीट और इनकी हाइट होने वाली है।